नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2018 के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज अलॉटमेंट के समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है, और यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कॉलेज अलॉटमेंट यानी एडमिशन से वंचित रह सकते हो, और कॉलेज अलॉटमेंट की सूचना आपको कब तक मिल जाएगी, और आपको कॉलेज फीस ऑनलाइन जमा करवाना है या ऑफलाइन। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बात बता दूं कि आप यदि कॉलेज फीस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जमा करवा सकते हो, लेकिन इसमें एक कारण ये इतना है कि आप यदि ऑनलाइन जमा करवाते हो तो जो ट्रांजेक्शन होता है वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें लगभग 45 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या ट्रांजेक्शन कई बार सक्सेस भी नहीं हो पाता है, क्योंकि साइटें कभी चल भी नहीं पाती है। तो उससे अच्छा है कि आपके पास में जो नज़दीक बैंक है तो उसमें जाके आप ऑफलाइन जमा कराए, जिससे कि आपको कोई भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज अलॉटमेंट के समय आपके पास महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या होने अनिवार्य है। तो एक तो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होना आपके पास अनिवार्य है, 12वीं का सर्टिफिकेट भी होना आपके पास अनिवार्य है, साथ में इसकी 3-4 फोटोकॉपी भी इसकी आपके पास होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी ज़रूरी है। यदि नहीं है तो आपको ज़रूर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए अति आवश्यक है, और आपने उसका एक कारण है कि वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो चलेगा नहीं। तो 1 साल के अंदर अंदर है तो आपका चल जाएगा। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको जल्द से जल्द आप बनवाएं, और वो आपके इसमें सबसे ज़रूरी है। और जो कॉलेज आवंटन की सूचना है वो आज आप शाम तक दी जाएगी, और जो इसमें डॉक्यूमेंट में एक रसीद है जो फीस की वो भी इसमें साथ में आपके लगेगी, और जो कॉलेज अलॉटमेंट की सूचना है वो आपको आज शाम तक आपके पास पहुँच जाएगी, कुछ घंटों में आपके पास आ जाएगी कि, और आपके पास इसका मैसेज भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी बीएसटी संबंधित पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबा लें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इसे लाइक करना चाहिए तो इसे लाइक कीजिए।